नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। आज सावन महीने का आखिरी दिन है। सावन के महीने में सोमवार का खास महत्व है। इस साल सावन में कुल 4 सोमवार पड़े हैं। इस साल सावन का पहला सोमवार जहां 26 जुलाई को था, तो अंतिम आज 16 अगस्त को है। अंतिम सोमवार को ब्रह्म योग बनने से शिव पूजा का फल और बढ़ गया है। शिव भक्त सुबह से भगवान भोलेनाथ का दूध और जल से अभिषेक कर रहे हैं। शिवालयों में सुबह से भीड़ है। शिवालयों और घरों में हवन पूजन करना भी शुभ फलदायी है। अंतिम सोमवार को श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। आज सावन का सोमवार का आखिरी दिन है। क्या लोग यहाँ मांगते हैं, कितनी भीड़ है? देखिए, भीड़ तो यहाँ पर लाखों की संख्या में है। बहुत भीड़ है यहाँ पर। रात से ही जो है कि आप समझिए कि 12 से 1 बजे से ही रात को लाइन लग जाती है दर्शन करने के लिए। और बाबा का दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, बाबा से अपनी मुरादें मांगते हैं, गंगा स्नान करते हैं, यहाँ पर गंगा माँ का पूजन अर्चना करते हैं। भगवती सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण करती हैं। गंगा स्नान के बाद यहाँ पर अपने अपने जलपात्र में जल भर करके बाबा का जलाभिषेक करते हैं। श्रावण मास का बहुत ही विशेष महत्व हम लोगों में माना जाता है और बहुत ही अच्छी खासी व्यवस्था हमारे प्रशासन की तरफ से भी है। सुरक्षा में सभी लोग लगे हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक कोई समझिए कि सांस लेने का फुर्सत भी नहीं है। आप प्रत्यक्ष सामने देख सकते हैं, ये लोग ड्यूटी पर एकदम तैनात रहते हैं और भरसक जो प्रयास होता है ये लोग अपने भर कोई भी समझिए कमी नहीं छोड़ते हैं। जहाँ तक भीड़ की बात रही, भीड़ तो अपार रहेगा, उसमें जैसी व्यवस्था रहेगी वैसे आदमी काम कर रहा है। मान्यता के मुताबिक अगर आपने सावन के सोमवार का कोई व्रत नहीं रखकर सिर्फ आखिरी सोमवार का व्रत किया हो तो भी आपको सभी सोमवारों का फल और पुण्य प्राप्त होता है। आखिरी सोमवार को देवों के देव महादेव की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। इस महीने में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन के व्रत और इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से अर्चक को शांति, रक्षा, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि सावन के महीने के व्रती के सभी पाप को नष्ट कर देती है। सावन महीने के सोमवार का व्रत रखने से कुंवारे लोगों को मनचाहा वर या वधु मिलने की मान्यता भी है। वहीं दाम्पत्य जीवन में प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़ती है। ये संपूर्ण मास भगवान शिव को समर्पित होता है। आज के दिन जो भी भक्त प्रभु की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं वो सेहतमंद रहते हैं। आज का सोमवार सुख, खुशी और आर्थिक वैभव प्रदान करने वाला है। अगर आज शिव भक्त अपने शिव की भांग, धतूरा और शहद से पूजा करें तो उन्हें शक्ति, स्वास्थ्य और हर तरह का सुख प्राप्त होगा। आज सुबह 7:29 पर राहु काल लग गया है, जो कि 9:07 तक रहेगा। इस काल में ना तो पूजा पाठ होता है और ना ही शुभ काम, इसलिए आज शिव की पूजा 9:07 के बाद ही करें। बता दें कि इस साल 22 अगस्त को खत्म हो रहा है सावन का महीना और इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी है। शिव भक्तों को घर पर ही शिवलिंग की विधिवत पूजा करके शिव पुराण पढ़ना चाहिए। शिव पुराण पढ़ने से पहले शिवलिंग का गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक कर बेलपत्र, पुष्प और अबीर अवश्य चढ़ाएं। कहते हैं कि सावन के अंतिम सोमवार की पूजा में समस्त शिव परिवार की पूजा करने से भगवान शिव की कृपा से सुख, शांति और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।